हेलो, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इन 10th क्लास यू स्टडीड अबाउट द पीरियडिक टेबल एंड यू नो वेरी वेल इफ इट इज पीरियडिक टेबल। These are d block elements and these are p block elements. These two group is called s block elements. First group is called alkali metal and second is called alkali earth मेटल। एल्कली मेटल पीरियडिक टेबल के ये वाले जो ग्रुप होते हैं इनको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तुमको ये चीज़ याद रखनी है, जैसे एल आई, एन ए, के आर बी, सी एस एफ आर, है ना, यहाँ एच ले लेते हैं, बी ई, एन डब्ल्यू एक्स्ट्रा। तो इसमें जो पढ़ेंगे फर्स्ट दो ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। और इसमें भी फर्स्ट वाला जो ग्रुप होगा इसको बोलेंगे हम एल्कली मेटल और इसको क्या बोलेंगे हम? एल्कली अर्थ मेटल। प्रॉपर्टी है सम इसकी, है ना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? देखो मैं इसकी बात करता हूँ, जैसे मैंने लिखा H, यहाँ लिखा मैंने एल आई, यहाँ लिखा मैंने एन ए, यहाँ लिखा मैंने K। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो कितना आता है? 1s1। इसका करता हूँ तो कितना आता है? 1s2 2s1। इसका करता हूँ तो कितना आता है? 1s2 2s2 p6 3s1। और इसका करता हूँ तो कितना आता है? 1s2 2s2 p6 3s2 p6। और ये कितना आता है? 4s1। तो मैं यहाँ ध्यान से देखूंगा कि सम में कितना आ रहा है, s1 आ रहा है, और केवल पीरियड के बेस पर ही n चेंज है। तो यहाँ n इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पीरियड हो जाएगा। और s तुमको पता ही है, इसको क्या बोलते हैं? सब सेल बोलते हैं। तो इस चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इस तरीके से इसका मैं क्या करता चला जाऊँगा। कि आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन और वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कली मेटल कितना होगा? Ns1। और एल्कली अर्थ मेटल कितना होगा? मतलब मैं सेकंड की बात करता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एल्कली अर्थ मेटल, है ना। जैसे मैं ले लूँ Be ले लूँ, मैं Mg ले लूँ, मैं Ca ले लूँ। 1s2 2s2 p6 और यहाँ कितना हो जाएगा? 3s2। यहीं देखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 4s2। तो आउटर मोस्ट शेल इनकी देखना स्टार्ट करता हूँ ना, तो मुझे पता चलेगा कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? Ns2। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर अर्थ मेटल है, एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Ns1। और यहाँ पे ले रहा हूँ एल्कली अर्थ मेटल, तो इसका कितना होगा? एल्कली अर्थ मेटल का देखूंगा मैं, तो इसका होगा Ns2। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। जब हम आगे चलेंगे तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वन ये देख लेना है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वन ऑफ ग्रुप वन
आर कॉल्ड, आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। आर कॉल्ड एल्कली मेटल बिकॉज दे फॉर्म, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड ऑन रिएक्शन, हाइड्रोक्साइड ऑन रिएक्शन विद वॉटर विच आर स्ट्रॉन्गली, विद वॉटर विच आर स्ट्रॉन्गली, विच आर स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन इन नेचर। याद रखना है, मतलब अगर मैं एल्कली मेटल को क्या करता हूँ, वाटर के साथ रिएक्शन कराता हूँ ना, तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जो कैसा होता है नेचर में, एल्कलाइन नेचर का होता है। तो ये चीज़ हमको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, एल्कली मेटल आर सॉफ्ट, एल्कली मेटल आर सॉफ्ट, ये चीज़ याद रखनी है, विद लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, सॉफ्ट विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ड्यू टू मीक वीक, ड्यू टू वीक मेटेलिक बॉन्ड, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। उसके बाद आगे चलते हैं, एल्कली मेटल हैव लो डेंसिटी, लिखो डेंसिटी, एल्कली मेटल हैव लो डेंसिटी, है ना, विच इंक्रीज, है ना, आगे ये इंक्रीज होता चला जाएगा, किसकी तरह इंक्रीज होता चला जाएगा, मतलब एल आई से अगर हम नीचे की तरफ चलते हैं सी एस की तरफ, है ना, लो डेंसिटी और एल आई से सी एस की तरफ चलेंगे तो ये क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। ये चीज़ हमें ध्यान से ध्यान देना है इस चीज़ पे। उसके बाद आगे चलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन में मैंने तुमको समझाया था कि ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में क्या डिफरेंस होता है। तो जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इसका कितना आता है NS1, उसका कितना आता है NS2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो तो कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, और इसका देखता हूँ तो कितना आ जाता है, +2 आ जाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान से देखनी है। उसके बाद आगे चलेंगे तो जो एल्कली मेटल होगी, ठीक है, तो एक्सेप्ट लिथियम, है ना, तो इनको प्रेफर करते हैं हम कैरोसिन ऑयल में रखना, कैरोसिन ऑयल में रखना प्रेफर करते हैं, क्यों, क्योंकि इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एयर, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एयर मतलब हवा से बचा के रखना होता है, क्यों, क्योंकि अगर एयर से रिएक्शन करते हैं ना तो ये क्या बना लेते हैं, अपने ऑक्साइड बना लेते हैं, जो इसकी रिएक्टिविटी को क्या करता है, थोड़ा कम करता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद आगे चलेंगे, एल्कली मेटल आर पैरामैग्नेटिक, एल्कली मेटल आर पैरा मैग्नेटिक इन नेचर, एल्कली मेटल आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, है ना, और जो सॉल्ट होगा ना इसका, जो इसका सॉल्ट होगा वो कैसा होगा, डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक इन नेचर। देखो जब मैं खुद एल्कली मेटल की बात करूँगा तो ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा,
ठीक है, और जब मैं इसके सॉल्ट की बात करूँगा तो कैसा होगा, डाई मैग्नेटिक होगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आगे की तरफ चलेंगे, कुछ एक प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं। देखो जैसे एल आई की मैं बात करता हूँ तो ये कैसा होता है, इसका कलर ये होता है। उसके बाद जैसे मैं एन ए की बात करूँ तो इसका कलर होता गोल्डन, है ना, येलो, ठीक है। उसके बाद मैं के की बात करता हूँ तो ये कैसा होता है, पेल येलो। और आर बी की बात करता हूँ तो कैसा होता है, रेडिश वायलेट होता है। और उसके बाद सी एस की बात करता हूँ तो ये कैसा होता है, स्काई ब्लू। तो ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। इनके कलर हैं ये थोड़ा, मतलब जैसा का जैसा मैं बता रहा हूँ इसको ऐसा कैसा ही नोट करके याद करते रहना। एल्कली मेटल जो होती है ना वो क्या होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होंगी, क्योंकि मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो कितना आता है 1s1, 2s1, है ना, यहाँ कितना आता है 3s1, यहाँ कितना आता है 4s1। तो जो आउटर मोस्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन है ना इसको जल्दी से निकाल देती है बाहर की तरफ, और जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉनों को बाहर की तरफ निकालेगा ये उतना ही अच्छा क्या होगा, कंडक्टर होगा।